नहीं रुक सकते क्या पति बाबू? चली जाओ वापस अपनी माँ के पास। तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं बांधता। सिराना हाथ में आए एक भरोसा है खफा सा कोई से समझाए कोई आशा मोमसी है जो धूप सह न पाए तुझको अंबर नापना था आ गई तू जमीन पे रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता तेरा मेरा हे दुर्गा माँ कुछ ऐसा करो कि बहुरानी ही जल्दी वापस आ जाए।
था। इसके बाद तुलसीपुर की सीमा खत्म हो जाती है जी। रुको रुको, मैं अभी आई। मुझे तुलसीपुर की, कितना कुछ दिया है मुझे तुलसीपुर ने। कभी भूल पाऊंगी क्या मैं मेरा ससुराल, मेरे काका ससुर जी, ससुर जी, भट्टू, सोमनाथ दादा, हरी बाबू, कोयली दीदी, परी दीदी और मेरे पति बाबू। जब याद आएगी तो इस मिट्टी को सूंघ लूंगी मैं, फिर मुझे लगेगा ये खुशबू आ रही है मेरे ससुराल की। बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं आज। बंदिता का घर जलाया है, मेरी तो दिवाली हुई ना, तो दिए तो लगाऊंगी ही मैं। और क्यों ना नाचू, मैं तो नाचूंगी, खूब नाचूंगी। इसी बच्ची के झूठ और धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। सोचो अगर अनिरुद्ध को तुम्हारे झूठ और फरेब के बारे में पता चलेगा तो क्या करेगा वो? ये सिंदूर, ये चूनर आशीर्वाद है तुम पर दुर्गा माँ का। सदा सुहागन रहोगी तुम, खूब प्यार मिलेगा तुम्हें अपने ससुराल से। इस घर के किसी कोने में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची बोनिता, और ना ही इस घर के किसी सदस्य के दिल में। खूब ख्याल रखेंगे जीवन भर तुम्हारे पति बाबू तुम्हारा। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कभी कोई आंच नहीं आ पाएगी। तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं बोनिता, कभी नहीं टूटेगा तुम्हारा रिश्ता। हमेशा खुश रहोगी तुम।
कौन? अनिरुद्ध, तुम यहाँ? हाँ अनिरुद्ध, लेकिन ये दिख रहा है तुम्हें अनिरुद्ध? ये रोशनी देख सकते हो तुम? बताओ ना, कैसा लग रहा है ये कमरा जगमगाते हुए? मैं अपनी आंखों से तो नहीं देख सकती ना, रोशनी कम तो नहीं लग रही? हाँ, मैंने दीदा से कहा था कि वो इस कमरे को दियो से भर दे। देखो ना, इतनी रोशनी होने के बाद भी मेरे सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है अनिरुद्ध। क्या कभी भी मैं तुम्हें देख पाऊंगी? कभी भी नहीं। तुम्हारी आंखों की रोशनी मैं वापस ला कर रहूंगा मिनी, और उसके लिए भले ही मुझे कुछ भी करना पड़ जाए मैं करूंगा। तुम जानती हो, इसकी शुरुआत कर दी है मैंने। जिसने तुम्हारी आंखों की रोशनी छीनी ना, उस मुजरिम के साथी को सजा दी है मैंने। चली गई बॉन्डिका। हवेली छोड़कर चली गई, भेज दिया मैंने उसे। अनिरुद्ध, ये क्या किया तुमने? बोधिता तो बच्ची है ना, हो गई गलती उसे, पर तुम क्या छोटे बच्चे हो? तुम्हें तो समझना चाहिए था ना बोधिता को। क्यों भेज दिया तुमने बोधिता को? बोलो अनिरुद्ध। कौन बोधिता? मैं नहीं जानता इस नाम के किसी भी इंसान को, मैं नहीं जानता। तुम किसकी बात करियो मुझे नहीं पता। मिली, ये मेरी दुर्गा माँ की मूर्ति है, दे देना परी दीदी को पति बाबू। बंदिता? बोलो बंदिता, क्यों साथ दिया तुमने उस ढोंगी ब्रजवासी का? बंदिता? जो भाई बाबू, बंदिता नहीं है यहाँ, वो तो चली गई है ना आपकी हवेली से। मैं सब पूर्ण हूँ, जवाई बाबू उठिए। संपूर्ण तुम यहाँ? हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे, वापस ले आइए मेरी बोंदिता को, उसकी कोई गलती नहीं है। तू बहुत अच्छी है, सबका भला चाहती, बस यही कहने आई हूँ मैं आपसे। अच्छी थी, सच्ची थी बोंदिता। तो उसने बताया क्यों नहीं कि क्यों मदद की उसने उस पाखंडी ब्रजवासी की? गरीब लोगों का धन लूटने दिया, इस परिवार के मान सम्मान को दांव पर लगा दिया, ये भलाई चाहती थी बोंदिता। तो बताओ ना संपूर्ण, क्यों बोंदिता नहीं दे पाई कोई कारण उस पाखंडी ब्रजवासी का साथ देने का? क्योंकि मेरा घर टूट जाता अगर वो आपको सच बता देती तो। बोलो संपूर्णा। नहीं जानती, मैं जानता, बता दूं। क्योंकि बोंदिता झूठी थी, वो एक झूठी थी, इसीलिए वो सच बोलने का साहस नहीं जुटा पाई। सही नहीं है ये, उसने ये सब इसलिए। तुम्हें मेरी कसम है संपूर्ण, अब अगर तुम मुझे दोबारा खोना नहीं चाहती तो दूर ही रहो अपनी बहन से। बताओ ना संपूर्ण, क्या मैं ही गलत हूँ? मैं ही गलत हूँ जो मैंने बोंदिता को उसकी माँ के पास वापस भेज दिया? जमाई बाबू, आप मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हो। समझता है? आपको तो सब पता है, तो आप कैसे नहीं समझ पाए? क्यों नहीं रहूंगी? पता है मेरी शादी है 2 दिन में, अच्छा हुआ तू आ गई। तेरी शादी?
नाचेंगे, गाएंगे और खूब सारे रसगुल्ले खाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा ये तो बता, तू कितने दिनों के लिए आई है? मैं तो दोबारा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, बोल बता, चली जाओ वापस अपनी माँ के पास। सुमति काकी, सुमति काकी, बानिता की मामी। बेला, क्या हुआ? देखो तो कौन आया है। बंदिता, ये शैतान की नानी बंदिता अचानक से कैसे आ गई? अच्छा अभी तो अपनी माँ से मिले, बंदे मुझसे मिलना आना, भूलना नहीं, शादी में आना है तुझे। बंदिता, जमाना वो नहीं दिख रहे कहीं? अरे अमर भोली दीदी, अगर जामाई बापू आते तो थोड़ी ना बैलगाड़ी से आते, जमींदार है वो, मोटर गाड़ी से आते। हाँ आपने सही कहा बोधी, जरूर कोई काम में फंस गए होंगे ना। मैं आएंगे जमाई बाबू तुझे लेने, है ना बोंदिता? बोंदिता, दो तीन दिन के बाद जमाई बाबू आएंगे ना तुझे लेने, है ना? अच्छे से करूंगी, बहुत अच्छे से करूंगी मैं जमाई सत्कार। अभी तो जमाई बाबू के बारे में मुझे सब पता है, नाश्ते में क्या क्या पसंद है, रात को खाने में क्या क्या खाते हैं, सब कुछ। अब तो जमाई बाबू आराम से सो पाएंगे। मैंने जमाई बाबू के लिए पता है मच्छरदानी लिया है, अब रात को जमाई बाबू को मच्छर नहीं काटेंगे, देखना। ये हमेशा बड़बड़ करने वाले बोंदिता रसगुल्ला ठूस के रखा है क्या मुंह में? बोधी थक गई होगी मेरी बोंदिता, लंबा सफर था ना, और मेरी बच्ची को भूख भी लगी है ना बोंदिता? बोंदिता आज मैं तेरी मनपसंद का वो पार्टी शब्द बनाऊंगी। हाँ चल आजा जल्दी। अरे नहीं नहीं, रुक रुक रुक, बेआयता बेटी अपने मायके के घर के अंदर ऐसे थोड़ी ना आते, मान सम्मान के साथ गृह प्रवेश करते। बोधी वो आरती की थाली, आरती? हाँ आरती, हाँ कोई हक नहीं है उस लड़की का इस घर पे और अनिरुद्ध पे। जा चुकी है वो लड़की हमेशा के लिए इस हवेली से, अब उस लड़की की एक निशानी भी नहीं दिखनी चाहिए मुझे इस कमरे में। यारी सुनो, नहीं तुमने मैंने क्या कहा, अपने हाथों को जल्दी जल्दी चलाओ, उस लड़की के कंगन गहने किताबें श्रृंगार सब कुछ इस कमरे से बाहर होना चाहिए। समझ लो कि एक बुरी याद की तरह मिटा देना चाहता हूं बोंदिता को अनिरुद्ध के दिमाग से। जिसे खुशी खुशी अपना कमरा दिया था ना आपने, आज बड़े ही दुख के साथ उनका सामान बाहर ले जा रहा हूँ आपके कमरे से। अब तो खुश है ना बैरिस्टर बाबू? अनिरुद्ध, तुम्हारा कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब जब तुम लंदन से लौट कर आए थे, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब अपनी जिंदगी फिर तुम वहीं से शुरू करो। खैरा, मिनी के आंखों के इलाज के लिए उसके बाबा से बात करनी है। पति बाबू ऐसा क्यों होता है, जब लड़के हंसते हैं तो सब कहते हैं हसमुख है,
और जब लड़कियाँ हंसती हैं, तो कहते हैं दांत दिखा रही है बेशरम। क्या लड़कों के दांत दिखते नहीं है हंसते हुए? ऐसा क्यों होता है कि अगर औरतें अपनी बात बोले सब उसे बुरा मानते हैं? औरतें प्रश्न पूछें तो कुतर्क कहते हैं उसे, पर आदमी प्रश्न पूछे तो समझदार और बिरस्तरा बाबू कहते हैं उसे। सोचे तो अगर औरतों का बात करना गलत होता तो भगवान उन्हें बात करने के लिए जुबान देते क्या? बोलने के लिए मुंह देते, सोचने के लिए दिमाग देते क्या? बल्ली बाबू, क्या है बोंदे? लड़की जब पिता के घर होती है तो उसे उसका मायका कहते हैं। वो मायका जहाँ उसे शादी के बाद वाले जीवन के लिए तैयार किया जाता है। फिर जब वो पति के घर जाती है उस घर को उसका ससुराल कहते हैं। वो ससुराल जहाँ उससे सब ये उम्मीद करते हैं कि कोई गलती नहीं करेगी वो। पर मुझे ये जानना है आपसे कि क्यों लड़कियों को मायका और ससुराल तो मिलता है पर कभी अपना घर नहीं मिलता? क्यों वो पहले पिता के घर और शादी के बाद पति के घर होती है? क्यों उसका कोई अपना घर नहीं होता जहाँ वो भी पूरे अधिकार से रह सके, जहाँ से कोई उसे चले जाने को ना कह सके? बस करो भोंदिता, मत पूछो इतने प्रश्न मुझको, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मेरे पास। सुना नहीं भोंदिता, मैंने कहा चल। भोंदिता मुझसे बहुत सवाल पूछ रही थी। छोटे मालिक, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। नहीं, वंदिता थी, मुझसे पूछ रही थी, मुझसे प्रश्न पूछ रही थी कि क्यों क्यों घर नहीं होता, ससुराल नहीं होता यहाँ। दुर्गा पूजा आने वाली है, तुझे मालूम है ना वंदिता, ये तेरी पहली दुर्गा पूजा होगी तेरे ससुराल में। बाकी त्योहारों की तरह तेरे काका ससुर जी बड़े ठाट से मनाएंगे वहां इसे, है ना बोंदिता? माँ, वो चिट्ठी भेजी है तेरे लिए पति बाबू ने। हाँ, मिली ना मुझे चिट्ठी। बेटा, जानकर मैं बहुत खुश हो गई, तेरे बिस्तर गीला करने वाली समस्या तेरे पति बाबू ने एकदम ठीक कर दी। बोंदिता बेटा, वादा कर मुझसे कि तू अपने पति बाबू को हमेशा खुश रखेगी, कभी उन्हें दुख नहीं पहुंचाएगी, वादा कर बोंदिता। शर्मिंदगी होती है मुझे कि मैंने कभी तुम्हारा साथ दिया था बोंदिता। किधर जा रहे हैं आमदा? मान गया है, प्राण तो अभी बाकी हैं, जिम्मेदारियों से कब तक मुंह मोड़ सकते हैं बिनॉय? जिम्मेदारी भी तो संभालनी है ना रोशनदा। मेरी मानिए तो थोड़े दिन और रुक जाते तो बेहतर नहीं होता कहता? गांव वाले भूले होंगे क्या उनके साथ हुआ धोखा अब तक? क्या भूले होंगे कि आप ही के सामने आप ही की बहू ने लूटी है उनकी मेहनत की कमाई? मैं कहूं तो थोड़े दिनों और आराम कीजिए, तो आपकी सेहत में भी सुधार आएगा और तो निभा लीजिएगा अपनी सारी जिम्मेदारियां। और सच बताऊं तो तब तक गांव वालों का मुंह भी बंद हो जाएगा। देखती हूं क्या लिखी आई। इस बोंदी तक को ना हमारी खुशी की कोई फिक्र ही नहीं है, ना मिठाई है ना सौंदेश है,
कोई तोहफे भी नहीं है। बॉन्दिता के ससुराल वालों को पता चल गया होगा, उनके भेजे हुए मिठाई मेरे सब तुम खा जाती हो ना, इसीलिए नहीं भेजे। सब मैं खा जाती हूँ और गाल आपके फूल रहे हैं, बस बातें करा लो आपसे, कुछ काम के नहीं हो। ये तो देखो तो, ये तो चिट्ठी लग रही है। मुझे भी दिख रही है ये चिट्ठी है, पर मालूम तो करो कि इसमें लिखा क्या है। देखो पूरी जायदाद तो नहीं नाम करती उसके। आदरणीय सुमति माँ, मुझे लगता है कि बॉन्दिता को मेरी जरूरत नहीं है, शायद आप ही चाहिए थी बस उसे, और मैं उसे वो दे रहा हूँ। बॉन्दिता ने अपने भाग्य में ऐसा कोई सपना लिखा ही नहीं है जिसे मैं पूरा कर सकूं, बल्कि उसने वो रास्ता चुना जिससे न सिर्फ मेरे परिवार के मान सम्मान को चोट पहुंची है, बल्कि मेरा बॉन्दिता पर से भरोसा भी तोड़ दिया। क्या हो गया? शमाई बाबू ने लिखा कि बॉन्दिता से बहुत बड़ी गलती हो गई ससुराल में, उसकी वजह से उनके परिवार के मान सम्मान को चोट पहुंची है, और जिसकी वजह से चौहान बाबू ने बॉन्दिता को हमेशा के लिए घर भेज दिया। माँ, मैं वो पुरानी चिट्ठी की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे रिश्तेदार बाबू ने दूसरी चिट्ठी भेजी है मेरे साथ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.